इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 10 के गणेश पंडाल के ठीक सामने। देर रात 11:30 से 12 बजे के बीच श्री बांके बिहारी सांस्कृतिक मंच के कार्यकर्ता युवा लोग गणेश विसर्जन के लिए शिवनाथ नदी की ओर जा रहे थे। यहाँ सेक्टर 10 पंडाल के ठीक सामने खड़ी ट्रेलर को ग्लोब चौक से सेक्टर 9 की ओर जाते हुए एक होंडा कार ने ठोक दी। कार सीधा के ट्रेलर के पीछे जा ठुकी, जिसमें प्रसाद बांट रहे युवक और जो ट्रेलर के पास खड़े थे वो दो युवक की मौत हो गई। प्रसाद जो बांट रहे थे युवक शंकर, उनकी उम्र 28 साल, जो सेक्टर 6 के निवासी हैं, और जो युवक नीचे खड़े थे ट्रेलर के साथ चल रहे थे वो नीरज, जो मरोदा के निवासी है, उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। युवाओं द्वारा जो यहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा, समिति के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ट्रेलर खड़ी थी, कार तेज रफ्तार से पीछे से आई और ट्रेलर को पीछे से ठोक दी, जिसके कारण नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति कार की चपेट में आ गया और जो ऊपर प्रसाद बांट रहा था वो कार के अंदर जा घुसा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन दोनों को, शंकर को सेक्टर 9 अस्पताल और नीरज को सुपेला अस्पताल ले जाया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है और ड्राइवर को हिरासत में ले लेती है। ड्राइवर के साथ एक और व्यक्ति होता है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। एक्सीडेंट होते ही ट्रेलर का ड्राइवर भी ट्रेलर छोड़कर फरार हो चुका है। अभी हम लोग सेक्टर 6 से गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो मैं तो वहाँ से घर चले गया था। मुझे खबर मिली कि हमारी जो ट्रेलर जा रही थी, ट्रेलर को पीछे से एक कार वाले ने बहुत तेज स्पीड से ठोका है, तो उसमें जो प्रसाद वितरण कर रहे थे दो लड़के हैं, शंकर कुमार और नीरज, जैसा खबर आ रहा है कि दोनों एक्सपायर कर गए। कार वाले को 112 वाले ने थाने लेकर गया है, उसके बाद अभी कुछ खबर नहीं। होंडा WRV कार थी, जिसका नंबर CZ07BF8045 है। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार से ग्लोब चौक से सेक्टर 9 की ओर आई और खड़ी ट्रेलर को ठोक दिया। 3 से 4 लोगों के और घायल होने की सूचना मिल रही है, मगर वो अभी कहाँ है, किस अस्पताल में भर्ती है, उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई है। पुलिस द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, किसी बात की पुष्टि करने से पुलिस अभी मना कर रही है।